ग्रॉसरी शॉपिंग भी करने जाना है कोल्स में, अपने पास लिस्ट है, लिस्ट में जो जो भी है वो ऑर्डर करना है, मतलब जाके कोल्स से उठाना है, तो आपको बताएंगे कोल्स में शॉपिंग और कितने की होती। पहले पहले पैसे डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद कोल्स जाएंगे, कोल्स से सामान उठा के और फाइनली थोड़ा उबर करके रिटर्न कर कूँ। तो अक्सर ये होता है कि जब भी बिल्डिंग्स रहते हैं ना यहाँ पे, जो भी जितने भी यूनिट अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, और किसी के पास भी अगर एक्स्ट्रा चेयर्स है या एक्स्ट्रा कोई भी फर्नीचर है तो ऐसा नीचे लाके लगा देते वो लोग। एक तो हमारे पास होस का सिस्टम है इधर लगा हुआ, तो इधर होस से पाइप, ये कार वॉश का वॉशिंग बे है बना हुआ, कि यहाँ पर आके अपन अपनी गाड़ी धो सकते हैं। अपनी गाड़ी तो धोने की ज़रूरत नहीं है, रिसेंटली अपन धोए थे, अभी थोड़ा टाइम ही हो रहा धो के। तो ये अपनी गाड़ी है मित्सुबिशी आउटलैंडर जो कि मैं चला रहा हूँ, और यहाँ पर इसमें ये प्रॉब्लम है कि एक तो थोड़े ऐसे स्क्रैचेस है, और यहाँ का वो भी ग्लास का पैनल है वो पैनल मिसिंग है, और उससे हट के गाड़ी प्रिटी मच परफेक्ट है, जैसा कि आप देख सक रहे हैं। इसकी एक रिमोट चाबी है जिससे आप ये करके खोल सकते, और अगर पीछे बूट में जाएंगे तो बूट में मेरा सामान, कभी भी अगर दोस्त आते हैं जब मैं ऊबर का बैग पीछे फेंक देता हूँ, तो अब ये ऊबर का बैग निकाल लेंगे यहाँ से, निकाल के इसको सामने वाली सीट में डाल देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इधर सामने रखते अपन सीट, क्योंकि सामने इसके लिए रखते हैं क्योंकि जब भी उबर कर रहे हैं तो जल्दी से सामान वामान डालने, एक्स्ट्रैक्ट करने बहुत ईजी रहता। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर और कचरा पड़ा हुआ है आप देख सक रहे हैं, लेकिन कार वॉशिंग के लिए मैं ये वॉश एंड वैक्स लिया था आर्मरऑल का, जिससे मैं गाड़ी धोता हूँ, और एक बकेट और स्पंज भी है इसमें, जिससे अपन गाड़ी को धो के रख सकते हैं। थोड़े ब्रशेस है, थोड़े एक्स्ट्रा बैग्स, बैग्स मैं हमेशा लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था कि जब भी आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर 15 सेंट का मिलता बैग, और एक तो एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप हमेशा नए प्लास्टिक बैग ले रहे हैं और उसको फेंक रहे, तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं रहता वो। तो अपन ये काम करते हैं कि भाई इसको कैरी करते हैं रीयूजेबल बैग्स, और जो भी बैग्स खरीद लिए उसको भी रीयूज़ करते हैं अपन, ताकि इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे और थोड़े पैसे भी बच जाए अपने, क्योंकि हर बार जब भी शॉपिंग करें आपको लेना पड़ रहा बैग्स, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। इसको बंद कर देंगे अभी। तो वॉलेट वगैरह तो लेके आ गए, अच्छे फीचर्स है वैसे, गाड़ी ठीक ठाक है, और हमेशा मैं इधर मिंट्स कैरी करता हूँ, मिंट्स काम में आते हैं, मिंट्स कैरी करना ज़रूरी है। और पानी का बॉटल पड़ा हुआ है, पीछे भी काफ़ी स्पेशियस है, ऊपर ये सनग्लास की जगह है इधर, अच्छा सनग्लास कौन सी रखी हुई, और एयर फ्रेशनर यूज़ करता हूँ मैं गाड़ी में, अच्छी स्मेल आना तो स्मेल के लिए वो अच्छा रहता। और दूसरी चीज़ें भी है, जैसा ये एक फ़ोन का होल्डर है, तो यहाँ पर एक डिजिटल मीटर है, और अपना, अरे गाने चल रहे, गाने बंद कर दो क्योंकि कॉपीराइट आया था, गाने चला के अपने को कॉपीराइट नहीं करना है वीडियो। तो बस यहाँ से सीधा जाएंगे फर्स्ट एटीएम, पैसे जमा करेंगे, और एक बार पैसे जमा हो गए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेट्स गो। कार्डलेस पहले था एटीएम में, अब आई थिंक वो लोग हटा दिए कार्डलेस, क्योंकि सेफ्टी का इशू हो रहा बोल के शायद, या सिक्योरिटी का इशू है, पता नहीं क्या इशू है इनका। वाइप करते रहना वाइपर। तो फाइनली अपने एटीएम को पहुंच गए। पैसे डाल दिए, अभी काउंटिंग चालू हो जाती, काउंट होने के बाद वो लोग बता देते। कई कई बार क्या होता है कि नोट जो है आपका वो ट्विस्ट हो जाता, तो उसमें वो लोग काउंट नहीं करते थे, ऐसे टाइम पे मैं रिजेक्ट करके पैसे पूरे निकाल लेता हूँ, फिर से नोट को सही करके इंटर करना, तो पैसे बच जाते। अगर ये हो गया तो एक नंबर रहता है यहाँ पे, उनको कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि भाई क्या हुआ पैसों का। ऑस्ट्रेलिया में एटीएम में पैसे तो डाल दिए, अब नेक्स्ट स्पॉट है कोल्स। कोल्स में जाके शॉपिंग करेंगे, सामान उठाएंगे, जो चीज़ अक्सर यहाँ पर ये भी रहता कि आप ऑनलाइन बुक करके भी जा सकते, जैसे ऑनलाइन बुक करें तो वो लोग आपका सामान पैक करके रखते, जाके सिर्फ क्लिक एंड कलेक्ट करना रहता। शॉपिंग लिस्ट अपनी रेडी है,
स्टॉप है ये $6.50 के छः टमाटर के साथ। नींबू के रेट देख सकते हैं आप, $6.90 में नींबू है। टेक दिस। अक्सर कह रहा था कि ये क्विक सेल के आपको आइटम्स मिल जाते हैं, तो इसमें से ये उठाएंगे या फिर ये उठाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ के प्राइसेस को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना कि भाई आप इंडिया में डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट करके आप अगर सोच लेते बैठे तो फिर खाना ऑन ही। मेजॉरिटी चीज़ें तो हो गए यहाँ से, मतलब मेजॉरिटी क्या, जो फ्रेश सेक्शन से चीज़ें थे वो तो हो गए। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा टूना बेक लेना है $4 का। तो ये है हमारा कॉफ़ी वाला सेक्शन, यहाँ पर इंस्टेंट कॉफ़ी भी है और काफ़ी सारे कैपेचिनो बार वगैरह। लेकिन कॉफ़ी में हम लोग ये फ्लेवरिंग डालते हैं, वनीला की फ्लेवरिंग होना है कॉफ़ी की, यहाँ पर नहीं है। ओके तो अंडे भी आ गए, अभी नेक्स्ट स्टॉप रहेगा मिल्क लेना है। हम लोग ये स्पेशल नूडल खाते हैं, ये चाइनीज़ वाला नहीं, चाइनीज़ नहीं, आई थिंक कोरियन है ये वाला पैक लेते हैं हम लोग। ये काफ़ी स्पाइसी रहता, मतलब चटकारा रहता एकदम, और इसमें पाम ऑयल नहीं है। कुछ लोग पाम ऑयल से एलर्जी रहती। चिप वाले फ्लेवर्स हैं, मैगी है, ठीक है, ये मैगी चिकन नूडल्स हैं। वेल जैसा कि आप देख सक रहे हैं मेजॉरिटी अंडे यहाँ पर ख़त्म हो गए, क्योंकि न्यू ईयर के चक्कर में लोग भर भर के ख़रीद ले रहे हैं, पैक उठा लेंगे। पर एक तो हमारे जो शैम्पू है, शैम्पू भी ख़त्म हो गया था, तो नहीं शैम्पू नहीं सॉरी कंडीशनर। हेड एंड शोल्डर्स में हमारे पास इधर कंडीशनर चाहिए अपने को, कंडीशनर की बॉटल किधर है। तो अभी अगर डील की बात करें तो मैं यूजुअली टूना में स्प्रिंग वाटर चंक स्टाइल, हाँ चंक स्टाइल स्प्रिंग वाटर लेता हूँ। 25% ऑफ चल रहा, $2 का एक है, तो अभी ठीक लग रहा है। तो ये हेड एंड शोल्डर्स की बॉटल है ड्राई स्कैप, इसकी मैं छोटी बॉटल लेता हूँ जस्ट इन केस, क्योंकि अगर सही नहीं रहा तो ज़्यादा बड़ी बॉटल ले तो ख़त्म नहीं होता जल्दी। 100 ml की बॉटल यूजुअली कुछ महीने तक चल जाती। अगर आप इधर देखें तो ये वाली कंडीशनर की बॉटल है हेड एंड शोल्डर्स। हेयर जेल के प्रोडक्ट्स भी है, ऐसा इंडिया में मिलती है। ब्रिल क्रीम $6 की है, बारबरन कंपनी का ये भी अच्छा ब्रांड है कंपनी, क्ले मिलता है, हार्ड पॉमेड और वगैरह। तो यहाँ पर जो फ्रीजर सेक्शन है इसमें ये दूध के बॉटल्स हैं, तो ये वाला दूध मैं लेता हूँ यूजुअली लाइट। तो दैट्स इट गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते, और उसके साथ साथ आज जो काम था वो हो गया, कोल्स में जो काम था वो भी ख़त्म कर दिया अपन, और उसके बाद जो ATM में काम था वो भी ख़त्म कर दिए। तो मेरे को एक कमेंट आया था रिसेंटली, एक भाई बोल रहे थे कि भाई डेली की लाइफ ज़्यादा दिखाओ, तो मैं ट्राई करूँगा कि भाई डेली की लाइफ की एलिमेंट्स भी आपको ज़्यादा दिखाता जाऊँ, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग पार्ट है एक ऑस्ट्रेलिया में रहने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए ऑल द बेस्ट सबको, और सबके वीज़ा आ जाए अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने का ट्राई कर रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।